जी नमस्ते, कैसे हैं आप? सब बढ़िया है। एक कहानी आपको सुना रहा हूँ, अब जरा गौर से सुनिएगा। एक बार की बात है, एक गांव में बच्ची का जन्म होता है। जैसे ही उसे उसके फादर उठाते हैं, उनके चेहरे की स्माइल रुकती नहीं। बच्ची जब जरा बड़ी होती है ना, तो कहती है कि मैं ना खूब नाम कमाना चाहती हूँ पापा, आपका नाम रोशन करूंगी और देखना जब मैं आगे जाऊंगी लोग मेरे पीछे पीछे चलेंगे और मेरी फोटो खींचेंगे। 4 मई की तारीख, मणिपुर में एक किस्सा होता है। कुछ हुड़दंग होते हैं जो एक कॉलोनी में चले जाते हैं, वहाँ जितने घर होते हैं घरों में आग लगा देते हैं, महिलाओं से छेड़छाड़ करते हैं, उनके साथ गलत काम करते हैं और 2 लड़कियों के कपड़े उतार निर्वस्त्र उनकी परेड कराते हैं। फिर क्या होता है, 74 दिन 75 दिन गुजर जाते हैं, कुछ नहीं होता। फिर 19 तारीख को जब ये वीडियो वायरल होती है, 20 तारीख को पुलिस उन आरोपियों को, उन दोनों जो बंदे होते हैं जिन्होंने ये घिनौनी हरकत की थी, उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि क्या पुलिस इंतजार कर रही थी वीडियो के वायरल होने का? इसके तुरंत बाद हमारी सरकार के प्रधान आते हैं और कहते हैं कि उन जिन्होंने भी ये काम किया है हमें शर्मसार किया है और उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। तो पिछले 77 दिनों से हम क्या सो रहे थे? क्या सिर्फ फॉरेन ट्रिप करने में ही हमारी तरक्की है? यही से हमारा डेवलपमेंट समझ में आता है? अब मुझे बताइए कि पुलिस ने उन्हें पकड़ तो लिया है, लेकिन क्या होगा? 1 महीने उनको जेल में रखेंगे, थोड़ा बहुत मारेंगे, उसके बाद क्या होगा? बेल पे छूट जाएंगे, फिर वो वही हरकत रिपीट करेंगे। मेरा यहां पर सिंपल सा एक कहना है कि अगर किसी चीज से आपको परेशानी है, वो सॉल्व नहीं हो रही है, तो उसे खत्म करना बेहतर है। यहां पर एक एग्जांपल सेट करना चाहिए हमारी सरकार ने, हमारे जस्टिस ने और हमारे लॉ ने कि हां, अगर कोई गलत करेगा तो उसके साथ गलत ही होगा। नमस्ते।